आप देख रहे हैं कि मैं जुहू चौपाटी में उपस्थित हूँ, लेकिन बता दें जिस तरह से यहाँ पे छठ मैया का पर्व, जो जिस तरह से बिहारी उत्तर भारतीय के लोग यहाँ पे पर्व मनाते हैं, लेकिन बता दें कि शाम को सूर्य भगवान का जो सूर्य ढलता है तब अर्घ्य दिया जाता है, और सुबह होते ही जब सूर्य उगता है तब अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन बता दें दो साल से जिस तरह से ये कोरोना काल में नहीं हो पा रहा था, लेकिन सभी के चेहरे पे अब मुस्कान आ चुका है। और यहाँ पे छठ मैया को लेकर काफ़ी, देखिए यहाँ पे BMC की जो महानगर पालिका का बना हुआ है यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन का भी देखने को मिला। यहाँ हमारे बीच में विधायक अमित साटम जी उपस्थित है। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो साल से अधिक कार्यकाल के गैप के बाद में इतनी बढ़िया यहाँ पर छठ मैया का उत्सव जो है वो यहाँ पर लोग मना रहे हैं। इस तरह से उत्तर भारतीय और बिहार के लोग यहाँ पे छठ मैया जो पर्व है, आज यहाँ पे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, काफ़ी हजारों की तादाद में उपस्थित हैं, और एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ संगीत का भी कार्यक्रम रखा हुआ है, लेकिन बता दें कि अलग ही भव्य देखने को मिला। दो साल के बाद आज यहाँ पे छठ मैया का कार्यक्रम प्रोग्राम किया जा रहा है। सभी लोगों के चेहरों में मुस्कान नहीं थी, लेकिन दो साल के बाद अभी सभी पाबंदी हटाते ही सभी चेहरों पर मुस्कान आ गई है। लेकिन बता दें कि हमारे बीच में अभी संजय निरुपम जी भी है, संजय निरुपम जी से खास चर्चा करेंगे। आइए। अर्घ्य देने के लिए शाम को और सुबह छठ के दिन आते हैं सभी का, दो साल बाद फिर से हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी की जो मनोकामनाएं हैं पूरी हों, सभी की भावनाओं को सम्मान मिले। छठ पूजा पर पूजा होती है हमारे यहाँ, एक परंपरा के हिसाब से छठ मैया शुरू होगा, लेकिन ये इसमें कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। छठ के गीत हैं जो गीत गाए जा रहे हैं, भगवान जो सूर्य हैं, और जो प्रसाद है घर पे बनता है, और एक बहुत कड़क 4 दिनों का ऐसा एक प्रोग्राम है, ये पूरा त्यौहार है। तो एक लोक आस्था उनके विश्वास से जुड़ा हुआ हजारों साल पुराना त्यौहार जो चल पड़ा है। छठ मैया के बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे। छठ मैया का महिमा अपरंपार है। जिस बाझन को पुत्र नहीं होता उसको पुत्र देती है, जिस निर्धन को धन नहीं उसको धन देती है, मन चाहा मनोकामना पूर्ण करती है, सब भक्तों का मन का जितना भी इच्छा रहता सब पूरा करती है। माँ बहुत ही आनंदमय है, और माँ तो माँ ही होती है, माँ तो करुणामयी है, माँ तो सागर है, माँ शीतल है, माँ का आंचल जिसके सिर पे रहे उसका तो कहना ही क्या है। कांच ही बसे के बहंगी लचक तीजा, बहंगी लचक तीजा, बनना कहरवा सुबास भैया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। मेरे लिए पहला अनुभव है, मैंने छठ पूजा हमेशा टीवी पे देखी या तो काफ़ी दूर से देखी हुई है। हमारे लिए छठ पूजा मतलब पार्वती माता का छठा रूप और सूर्यदेव की बहन, उनका इतना बड़ा महापर्व मेरे बड़े भाई सुभाष वासी जी ने किया है, इन्होंने बहुत जोर देके हमको बुलाया था, ये एनर्जी फील करने का मौका मिल रहा है हमको पहली बार। मनोकामनाएं है, जो चाहिए आपको मिल जाएगा इस सूर्य भगवान की उपासना करने वालों को। धनुधारी जादूगर मेट्रो मुंबई।